हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो ग्लैम गर्ल। आज संडे का दिन है। एक्चुअली मैं जिस दिन ये शूट कर रही हूँ वो संडे का दिन है। वीडियो आते आते शायद एक दो दिन देर हो जाएंगे। संडे का दिन अक्सर होता है कि हमें वर्कआउट करने की मन नहीं होता, खाना बनाने की मूड में नहीं होते हम लोग। एक्चुअली ये एक लेज़ी डे है, तो उस लेज़ी पीपल के लिए, मैं भी हूँ लेज़ी पीपल के लिए एक बहुत ही हेल्दी और इजी सिंपल रेसिपी लेके मैं आज आई हूँ। टेस्टी भी रहे और हेल्दी भी रहे। तो मैं ये डिश बहुत बार ट्राई किया है, मुझे ये डिश बहुत ही पसंद है। इस डिश का नाम है पिसपास और मैं भी इसको यूट्यूब से ही सीखी हूँ, पर मैं खुद अपनी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ इस डिश को। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ इस डिश को शेयर करने वाली हूँ आज। देखते हैं आप लोगों को अच्छा लगे कि नहीं। आई होप आप लोगों को ये डिश अच्छा लगेगा। बना कर टेस्ट करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं अगले वीडियोस में भी कुछ ऐसा टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमें पिसपास बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए चिकन। मैं थोड़ा सा ही चिकन लिया है और उसे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक दीजिएगा आप, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर के साथ मैंने मैरिनेट किया। मेरा मैरिनेशन हो गया और मैं इसे थोड़ी देर के लिए, लगभग आधा घंटे के लिए कवर करके साइड में रख देती हूँ। फिर मैंने चावल को भी आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया। गाइस, यू कैन सी आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ वेजीज। आप अपने मनपसंद वेजीज भी इस पे ऐड कर सकते हैं। इस सीज़न में ऐसे डिश खाने की यही मज़ा है कि हमें इतने सारे वेजीज मिलते हैं। हाँ, मैंने प्रेशर कुकर को ओवन पे चढ़ा दिया है। मैं ये डिश को प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। नाउ आई एम एडिंग लिटिल बटर। यहाँ पे मैंने अमूल लाइट बटर यूज़ किया है। आप घी और ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। गर्म हो जाने के बाद मैं एक एक करके हर एक इंग्रेडिएंट्स, हर एक वेजीज़ को मैं इस पे डालूँगी और स्टीर फ्राई करूँगी। इस डिश में वेजीज़ को या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बॉयल्ड फूड है और इस पे अगर बॉयल वाला वो फ्लेवर ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा सा ही इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने हर एक वेजीज को इतना लंबा लंबा करके ही कटा है। अब कुछ वेजीज थोड़ा भुन जाने के बाद मैं कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि छोटी इलायची, लौंग और थोड़ा दालचीनी मैं ऐड करूँगी इसमें। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि पहले बटर में ही ये दे देना चाहिए, पर मैं कुछ अलग तरीके से इसको बनाती हूँ, क्योंकि पहले अगर दे दूँ तो वो खड़े गरम मसाले थोड़ा जल जाते हैं, मैं उतनी अच्छी तरह से बना नहीं पाती, थोड़ा जल जाते हैं। इसलिए मैं कुछ बाद में ये डालती हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से कुक होता है वेजीज के साथ, तो बहुत अच्छा टेस्ट और स्मेल भी आते हैं। तो मैं अब थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अपने स्वाद और क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड करना। अब मैं थोड़ा ऑनियन और कुछ बाकी वेजीज ऐड करूँगी, फिर इसको अच्छे से स्टीर फ्राई करूँगी मैं।
Now I am going to add my favorite chicken. Now I am adding garlic or ginger paste. जिंजर और गार्लिक ऐड करने के बाद हमें इसको तब तक भूनना है जब तक जिंजर गार्लिक अच्छे से कुक ना हो जाए। कुछ देर के लिए ढक के रखना है। मैंने प्रेशर पे नहीं दिया इसको, बस ढक के रखा है। दो मिनट बाद मैंने इसको अनकवर करके फिर से एक बार भून लेती हूँ। जिंजर गार्लिक पूरा का पूरा कुक हो चुका है, कच्चा स्मेल आना भी बंद हो गया है। अब मैं इस पे वो चावल ऐड कर रही हूँ जो मैंने भिगो के साइड पे रख दिया था। अब चावल, चिकन और वेजीज को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम इस पे पानी ऐड करेंगे। मैं परफेक्टली आप लोगों को पानी का क्वांटिटी बता नहीं सकती। मैं अंदाज़ा लगा के पानी डालती हूँ इस पे। एंड आई नो यू आर बेटर कुक देन मी, तो आप लोगों को पता होगा कितनी क्वांटिटी में पानी डालना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालना, ना ही ज़्यादा ना ही कम। नाउ आई एम एडिंग सम ब्लैक पेपर। इस डिश में ब्लैक पेपर की खुशबू बहुत अच्छा लगता है। नाउ आई एम एडिंग टू ग्रीन चिलीज इस तरीके से काट के। अब हर एक इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए और प्रेशर में देने से पहले थोड़ा गरम मसाला भी डाल दिए। अब मैं कुकर को एकदम प्रेशर में दे दिया, हाई फ्लेम में देती हूँ मैं इसे, जब तक पहला सीटी ना आए तब तक। गाइस पहला सीटी आ गया है और अब मैं इसको बंद करके दो मिनट तक रख देती हूँ। फिर दो मिनट के बाद जब खुला तो देखा राइस और हर एक इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया था। चिकन भी बहुत अच्छी तरह से बॉइल्ड हो गया था और चावल एक दूसरे के साथ ना ही तो चिपक के रह गया था और ना ही आधा कच्ची था, एकदम परफेक्ट था। घर पे थोड़ा चिकन करी बना था इसलिए मैं थोड़ा सा चिकन करी भी ले लिया और ये था मेरा आज का लंच। गाइस ये था मेरा पिसपास का रेसिपी। मैं साइड डिश लिए हैं, आप लोग चाहते हो तो साइड डिश ना भी ले सकते हो, सिर्फ सलाद के साथ भी ये डिश आप लोग ले सकते हो। यकीन मानो बहुत बहुत ही टेस्टी होता है, कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता। बट मुझे घर पे बना था इसलिए मैंने लिया था। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में जो बेल है उसको भी दबा देना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगले वीडियोज़ में आपको क्या क्या चाहिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय बाय।